तो अभी भी 2 से 3 लोग अंदर होने की आशंका है, जिसकी आवाज सुना जा रहा है। तो वो बहुत धीरे से काम कर रहा है जिससे कि लोगों को चोट ना लगे, तो बहुत हम लोग भी बहुत हिम्मत से काम धैर्य से ले रहा है जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, तो 1 या 1.5 घंटा लग सकता है। इसका नक्शा नहीं पास था और इलीगली बिल्डिंग था, इसमें संभवतः बेसमेंट में काम चल रहा था जिसके स्ट्रेस के चलते बिल्डिंग में वो हुआ है, वो अभी जांच का विषय है। वो तो पहले हम लोग को एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करनी होगी कि कारण क्या रहा, उसके बाद फिर कार्रवाई होगा। बिल्डिंग तो अवैध था, जैसे मैं कह रहे थे इसी बिल्डर की दूसरी एक बिल्डिंग थी, हाल में LDA ने ध्वस्त किया भी था उसको। तो वहां से देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बात भी साफ हो चुकी है कि बिल्डिंग ये अवैध थी। बिल्डिंग हादसे पर DGP DS चौहान का ये बयान सामने आया। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मामले में अब भी 3 लोग फंसे हुए हैं, DGP की तरफ से ये कहा गया और उन्हें निकालने की कवायद अब और तेज वहां पर हो चुकी है। लगातार हलचल बढ़ती जा रही है, 5 से 6 घंटे अभी और लग सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बूंदाबांदी की जो खबर सामने आई थी, फिलहाल वहां पर बारिश नहीं हो रही है, अब मौसम साफ हो चुका है, लगातार टीमें वहां पर मौजूद है। लोग अस्पताल में है, सिविल हॉस्पिटल में, बट सबकी स्थिति ठीक है। अच्छा, जो अभी जो अंदर 3 लोग फंसे हुए हैं, इनकी कुछ आवाजें आ रही है सुना जा रहा है, तो उसको धीरे से हिम्मत से धैर्य से काम किया जा रहा है जिससे कि किसी को चोट ना लगे, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और चलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए मंडलायुक्त मैम, अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगभग कितने और लोग, क्योंकि अभी DGP साहब ने भी ब्रीफ किया था, कितने अभी लोग फंसे हुए और लगभग कितनी देर ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि लगभग 12 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक 13 लोग बाहर आ चुके हैं, जिसमें अच्छी बात है कि किसी का भी कैजुअलिटी नहीं था, लॉस ऑफ लाइफ नहीं था। अब 2 से 3 लोग और फंसे रहने की सूचना है, जैसे आवाज़ सुना जा रहा है और लोगों की कदन से जो पुष्टि हो रही है। कहा यह भी गया है DGP साहब के द्वारा भी कि जो भी बिल्डर या जिसके द्वारा भी निर्माण कार्य किया गया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन ये शहर के बीच में था, कहा गया कि G+3 का इसका खाली था, उसके बावजूद भी ये बना था, तो किस तरह के इससे पहले भी देखे गए, कई अभी लिवाना सूट्स का भी मामला हुआ हो, यहाँ फिर से मामला, तो कहीं ना कहीं LDA की कमी है, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि 10 साल से हुए थे इस बिल्डिंग को बने हुए, 10 से 12 साल और ये पूरी धाराशाही हो गई। जी, ये अवैध निर्माण है जिसका नक्शा पास नहीं है, इसका कंपाउंडिंग का भी नक्शा पास नहीं है, तो शुद्ध रूप से अवैध है। पुराना बिल्डिंग है, हाल का बना हुआ नहीं है, तो इसी बिल्डर का दूसरे बिल्डिंग को हाल में LDA ने ध्वस्त किया था, तो इस पर भी बिल्डर पर भी कार्रवाई होगी। अब वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इससे कई ऐसे हादसे हो चुके हैं और बाद में कहा तो चीज़ें आती हैं कि अवैध था, ये चीज़ें थी, लेकिन ये शुरुआत में जो अवैध बन रहा है तभी इसको क्यों नहीं कर्व किया जा रहा, अभी भी लखनऊ में निश्चित तौर पर प्लॉटिंग होते वक्त ही कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए LDA में कई तरह के सचल दल और पूरे टीम्स निगरानी की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, होना यही चाहिए कि बनते वक्त ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमेटी गठित करी जाएगी जो उसकी जांच करेगी। जोन वाइज इसमें कमेटी बनी हुई है, जोन वाइज सचल दल बनी हुई है और हम लोगों ने पब्लिक से भी शिकायतें लेने की व्यवस्था किया हुआ है। सिस्टम अभी परफेक्ट नहीं है, मगर कोशिश किया जा रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।